नमस्कार दोस्तों, टेक्सकेन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं BSNL और MTNL ये दो कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दिल्ली और मुंबई सर्कल के अंदर आपको पता है MTNL कंपनी काम करते हैं, जहां पर BSNL काम नहीं करते। BSNL MTNL के सर्विसेज को यहां पर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फाइनली एक टीजर दिल्ली और मुंबई के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनको यहां पर दिखाया जा रहा है, जहां पर BSNL और MTNL के जो हाई स्पीड नेटवर्क है उसके बारे में बातचीत यहां पर किया गया है। यानी ये ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है MTNL कंपनी दिल्ली और मुंबई के अंदर अपना 4G सर्विसेज को काफ़ी जल्दी लेकर आने वाला है। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, कौन से कंपनी MTNL को सपोर्ट कर रहा है अपने 4G सर्विस को लॉन्च करने के लिए, क्या वहां पर भी BSNL की तरह टाटा कंपनी इंटरफेयर कर रही है या किसी दूसरे कंपनी कर रहा है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं MTNL कंपनी की बात करता हूँ तो भारत के सिर्फ दो जगह के अंदर MTNL कंपनी अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, दिल्ली और मुंबई, क्योंकि MTNL का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जहाँ पर BSNL रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से MTNL कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतना खराब है, उसी के साथ जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, MTNL का पूरा जो ऑपरेशनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली BSNL के ऊपर ही चला है, और पिछले काफ़ी सालों से BSNL MTNL का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर संभाल रहा है। तो BSNL और MTNL दोनों मिलकर ही दिल्ली और मुंबई सर्किल के अंदर अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च करेंगे। जैसे पूरे भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर BSNL भारत के डिफरेंट जगह के अंदर अपने 4G सर्विस को लेकर आ चुका है, और यहाँ पर BSNL को मदद कर रहे हैं C.DOT, ITI, TCS और तेजस नेटवर्क। लेकिन अगर मैं दिल्ली और मुंबई की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक कंपनी का नाम हमारे सामने निकल के आया है, जिसका नाम है सुयोग टेलीमेट्रिक्स। उनकी तरफ से MTNL का 500 से भी ज़्यादा 4G मोबाइल टावर्स जो है वो दिल्ली और मुंबई के अंदर बैठा जाएगा। हालांकि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है सुयोग टेलीमेट्रिक्स, ये वोडाफोन आइडिया कंपनी का 3000 से भी ज़्यादा मोबाइल टावर्स जो है वो ऑलरेडी पूरे भारत के अंदर बैठा चुका है, और अगर मैं पर्टिकुलरली दिल्ली और मुंबई की बात करता हूँ तो 300 से भी ज़्यादा मोबाइल टावर्स, 4G मोबाइल टावर्स जो है ये सुयोग टेलीमेट्रिक्स जो है वो यहाँ पर BSNL और MTNL के लिए बैठाएंगे। अगर आप दिल्ली और मुंबई के अंदर रहते हैं तो आपको BSNL का कोई ब्रांडिंग देखने के लिए नहीं मिलेंगे, हालांकि जो काम है वो BSNL यहाँ पर संभालेंगे, वहाँ पर जो ब्रांडिंग आपको मिलेंगे वो मेनली MTNL का ही मिलेंगे। हालांकि आज के डेट के अंदर MTNL काफ़ी ज़्यादा कैश स्ट्रैप्ड कंपनी है, 31,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कर्जा MTNL का, रिसेंटली जो यूनियन बैंक है वो MTNL का बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया है, बहुत बड़े प्रॉब्लम के अंदर MTNL चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ये मानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिवाइवल पैकेज जो वो ये सारे कंपनी को ऑलरेडी दे चुका है, और इसके बाद ये सारे कंपनी अपने हाई स्पीड 4G 5G सर्विस लॉन्च करने के बाद कस्टमर्स एक्विजिशन काफ़ी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, और आने वाले टाइम के अंदर ये कंपनी सच में एक प्रॉफिटेबल कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो पाएंगे। BSNL और MTNL दोनों कंपनी के साथ कुछ इसी तरीके का चीज यहां पर होने वाला है, जिस कारण से गवर्नमेंट ये सारे कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उनका जो टोटल कर्जे का अमाउंट है वो ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे वो कर्जे भी यहां पर उतर जाएंगे, ऐसा ही सोच रहा है। दोस्तों, अगर मैं प्लान्स की बात करता हूं तो BSNL के प्लान्स और MTNL के प्लान्स के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, और अगर MTNL कंपनी को सक्सेसफुल बनाने हैं तो BSNL की तरह इतना एग्रेसिव प्राइसिंग जो वो MTNL को भी यहां पर रखना होगा, फिर जाकर वो भारत के मार्केट के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे, और आने वाले टाइम के अंदर वो अगर हाई क्लास सर्विस यहां पर प्रोवाइड कर पाते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर्स MTNL और BSNL के साथ डेफिनेटली जुड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये दो कंपनी सक्सेसफुल हो पाएंगे? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल कर आ था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे मुलाकात होगी ऐसे कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।